एशाज यंग गाइस, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है टेंसेस। सो लोअर क्लासेस से ही हमने टेंसेस पढ़ा है, ग्रामर प्राइमरी से ही पढ़ते हैं हम कि तीन टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन ये तीन टाइप ऑफ टेंसेज में भी सब टाइप होते हैं। तो एवरी टेंस, ईच ऑफ दिस थ्री हैज फोर सब टाइप्स। मतलब प्रेजेंट टेंस चार टाइप के हो सकते हैं, पास्ट टेंस चार टाइप के, और फ्यूचर टेंस भी चार टाइप के हो सकते हैं। और ये चार टाइप्स क्या है, यहाँ देखिए, सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। वैसे ही पास्ट भी हो सकता है, सिंपल, सिंपल वर्ड पहले डालते हैं, बाकी सबका बाद में आता है, मतलब जो ये वर्ड है वो बाद में अटैच होता है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पहले आएगा। तो फ्यूचर में कैसे लिखते हैं हम, सिंपल फ्यूचर नहीं लिखते, फ्यूचर सिंपल नहीं लिखते, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल पहले आता है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मतलब फोर टाइप्स ऑफ ईच ऑफ दिस, मतलब टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो गई है। तो हम टेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी कैसे करें, एक फॉर्म में सेंटेंस है तो उसको दूसरे फॉर्म में कैसे लेके आए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे टाइप्स के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे और सेम एग्जाम्पल लेके करेंगे, ताकि आपको समझे कि कैसे टेंस का पैटर्न या ट्रांसफॉर्मेशन हम सेंटेंस का कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप सबसे पहले हम देखेंगे। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे, तो द बेबी स्लीप्स इन हिज क्रिब। अब टेंसेज में हमेशा याद रखो, टेंसेज में मेन जो होता है सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब होता है उसको ही चेंज करना है, बाकी पूरे सेंटेंस में हमें कुछ नहीं चेंज करना है। जब हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे एक एक टेंस से दूसरे टेंस में, तो सिर्फ वर्ब चेंज होगा। ये सेंटेंस में वर्ब क्या है, स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स इन हिज क्रिब। तो स्लीप्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, स्लीप्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। और एक तीन एग्जांपल लेंगे हम, दूसरा ले रहे हम, आई लुक इन टू द मैटर। तो लुक सिर्फ देखना है, तो सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस में ये अभी हो, अभी का टेंस है, ये पास्ट नहीं है। स्लीप्स का पास्ट करेंगे तो स्लेप्ट हो जाता है, लुक का लुक्ड हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड सेंटेंस हम लेकर, आई वर्क फॉर अनिल। तो वर्क सिंपल है, अगर पास्ट में लेंगे हम तो ये वर्कड हो जाता है ना। तो स्लीप्स, लुक और वर्क, ये हमारे वर्ब्स है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड टाइप देखेंगे तो ये भी क्लियरली समझेगा ये सिंपल क्यों है। सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली अभी भी हो रहा है। इसके अंदर की है आईएनजी, आईएनजी ऐड किया जाता है वर्ब को। तो जैसा द बेबी स्लीप्स इन द क्रिब, तो यहाँ पे आएगा द बेबी इज स्लीपिंग। इज मतलब प्रेजेंट, वॉज मतलब पास्ट, सो बेबी इज स्लीपिंग इन हिज क्रिब, है ना। सेकेंड जो हमारा सेंटेंस था, आई लुक इन टू द मैटर। So, I look into the matter is present. Present continuous चाहिए, simple present. Present continuous चाहिए, तो ing add करना है। I look into the matter का हो जाएगा, I am looking. Was looking बोलेंगे, तो past हो जाएगा, past continuous. Present continuous में I am looking, मतलब अभी देख रही हूँ मैं, present continuous. Am जो है या is जो है, is, are, am, ये सब present denote कर रहे हैं, और continuous का हमने ing लगाया है। Third sentence हमारा था, I work for it. तो यहाँ पे भी आई आई के साथ एम आता है, नहीं तो ही शी के साथ इज आता है, ही इज वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग फॉर अनिल। फिर टाइप थ्री जो है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा एग्जांपल, द बेबी स्लीप्स इन द क्रिब, तो द बेबी हैज स्लेप्ट। स्लेप्ट बोलेंगे तो हम पास्ट टेंस समझते हैं इसको, तो पास्ट टेंस नहीं है ये, प्रेजेंट टेंस क्यों, क्योंकि हैज है, Had होता तो मतलब के पास्ट टेंस की बात हो रही है, has है तो प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट मतलब हो गया, प्रेजेंट की बात कर रहे लेकिन हो गया, परफेक्ट टेंस है। तो बेबी हैज स्लेप्ट इन हिज क्रिब, दिस इज नॉट पास्ट टेंस। द बेबी स्लेप्ट इन हिज क्रिब होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, लेकिन ये क्या, बेबी स्लेप्ट नहीं, बेबी हैज स्लेप्ट, हैज आया तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और स्लेप्ट आया ये परफेक्ट टेंस हो गया, बेबी हैज स्लेप्ट इन हिज क्रिब। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट समझना। सेकंड है आई लुक इनटू द मैटर, आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, अभी आई हैव, यहाँ पे क्या वर्ड आता है परफेक्ट जब हम कर रहे हैं तो हैज और हैव डालते, आई हैव लुक्ड इनटू द मैटर, और जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस जैसे हो जाता है फॉर्म, लेकिन वो पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है,
ठीक है, पास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पास में नहीं है हम, अभी भी हैव हैज बोल रहे हैं, मतलब अभी की बात हो रही है, हैड होता तो पास की बात है ना, तो इसको वो कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लुक्ड इनटू द मैटर। थर्ड इज आई हैव वर्क्ड फॉर अनिल। फिर टाइप फोर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ की वर्ड क्या है, यहाँ पे तीन आते हैं वर्ब्स में, तीन वर्ड्स आते हैं, बीन इज द वर्ड, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस का आईएनजी आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, परफेक्ट का हैज तो था, लेकिन परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों साथ में लेना है तो बीन वर्ड बीच में आएगा, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे था, द बेबी हैज स्लेप्ट इन हिज क्रिब, तो स्लेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट था, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, तो बीन वर्ड आएगा और आईएनजी भी आएगा कंटिन्यूअस के लिए। हैज बीन स्लीपिंग, द बेबी हैज बीन स्लीपिंग इन हिज क्रिब, है ना, हैज आया मतलब प्रेजेंट टेंस। आई हैव बीन लुकिंग इनटू द मैटर एंड आई वर्क फॉर अनिल, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है। अब ये चार टाइप्स हो गए प्रेजेंट टेंस के, सिमिलरली पास्ट टेंस के चार टाइप्स है। पहला टाइप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या है, हमने एग्जांपल वही लिया है, द बेबी स्लेप्ट इन हिज क्रिब, स्लेप्ट Has slept था तो प्रेजेंट था, प्रेजेंट परफेक्ट था, ये सिर्फ स्लेप्ट तो सिंपल पास्ट टेंस है, अब ये पास्ट टेंस है ना। आई लुक्ड इनटू द मैटर, सिर्फ वर्ब का पास्ट टेंस बना दिया हमने, तो ये सिंपल पास्ट टेंस, और आई वर्क फॉर अनिल, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। देन टाइप सिक्स इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें आएगा द बेबी वॉज स्लीपिंग इन दिस क्रिब, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी, ये याद रखना है, कंटिन्यूअस मतलब कुछ चल रहा है, हो रहा है, तो आई एन जी वर्ड आएगा यहाँ पे, स्लीपिंग वर्ब में आई एन जी डालना है हमें, है ना। और पास्ट है तो वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो था तो क्या था, बेबी इज स्लीपिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है तो बेबी वॉज स्लीपिंग, है ना। आई वॉज लुकिंग इन टू द मैटर, आई एम लुकिंग था, अब आई वॉज लुकिंग हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट है आई वॉज वर्किंग फॉर अनिल, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज देख के हमें पास्ट कहना है, आईएनजी देख के कंटिन्यूअस, तो आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी होना चाहिए अगर आपको रूल समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई तो। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे एग्जांपल्स है, फर्स्ट द बेबी हैड स्लेप्ट इन हिज क्रिब, तो परफेक्ट है तो वो स्लेप्ट ही आएगा, पास्ट टेंस फॉर्म आएगा वर्ब का, लेकिन वहां हैज था, प्रेजेंट परफेक्ट था तो हैज स्लेप्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड स्लेप्ट, ओके। फिर आई हैड लुक्ड इनटू द मैटर एंड आई हैड वर्क्ड फॉर अनिल, आई हैव वर्क्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड वर्क्ड तो पास्ट परफेक्ट। टाइप एट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में आएगा तो बीच में बीन वर्ड आएगा, है ना, तो पास्ट है तो हैड बीन ऐसे करके आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा द बेबी हैड बीन स्लीपिंग, कंटिन्यूअस का आई एनजी इन हिज क्रिब, आई हैड बीन लुकिंग इनटू द मैटर और आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल। तो ये हमारे पास्ट टेंस के चार टाइप्स हो गए, चार सब टाइप्स। अब आएंगे फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सो एग्जाम्पल विल आता है ना, द बेबी विल स्लीप इन हिज क्रिब, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल लुक इन टू द मैटर, आई विल वर्क फॉर अनिल, ठीक है, ये सिंपल टेंस फ्यूचर टेंस तो ठीक है समझ में आएगा। टेंथ नेक्स्ट टाइप जो हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट द बेबी विल बी स्लीपिंग इन हिज क्रिब, आई एन जी आना चाहिए, तो विल स्लीपिंग तो नहीं हो सकता, बी बीच में आना ही है, तो बेबी विल बी स्लीपिंग इन हिज क्रिब। I will be working, I'll be looking into the matter and I will be working for Anil. Present, future है, will है तो future है और ing है तो continuous है. Be word बीच में आना ही है क्योंकि will sleeping का कुछ sense नहीं बनता, will be आना ही है. इसका perfect कैसे करेंगे और perfect continuous कैसे करेंगे वो भी देखेंगे. ये देखिए future perfect tense होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, will have slept था तो प्रेजेंट परफेक्ट था, हैड स्लेप्ट था तो पास्ट परफेक्ट था, विल हैव स्लेप्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट है,
मतलब ये वर्ब का पास्ट टेंस, परफेक्ट जब हम कर रहे हैं तो वर्ब का पास्ट टेंस ही आएगा, लेकिन विल भी वर्ड आया, फ्यूचर परफेक्ट। अब विल है तो विल के बीच में यह वर्ड आना ही है, हैव स्लेप्ट, विल हैव, विल बी, विल हैव, ऐसे करके ही हमें लिखना होता है। आई विल हैव लुक्ड इनटू द मैटर, है ना। मतलब जैसे हम बोलने में कैसे यूज करते हैं इसको, जैसे तुम यूरोप जा रहे हो, तुम जब यूरोप से वापस आओगे तब तक मैं ये मैटर देख लिया होऊंगा, मतलब आई विल फिनिश इट, हम अभी से बोल रहे हैं आई विल हैव लुक्ड इनटू द मैटर, ऐसा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा, मतलब तब तक मैं कर लिया होगा, आई विल फिनिश इट, आई, वो इसका मतलब है ना ऐसा। फिर आई विल हैव वर्क्ड फॉर अनिल। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। विल बी वर्किंग देखा, विल हैव वर्क्ड देखा, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो विल बी नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस साथ में आता है तो बीन वर्ड आता है ना। तो एग्जाम्पल है द बेबी विल हैव बीन स्लीपिंग, अब ये चार वर्ड्स आ गए यहाँ पे, विल हैव बीन, विल बी स्लीपिंग वॉज कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, विल बी स्लीपिंग, बी से कुछ नहीं होता, बीन होना चाहिए, जब बीन है मतलब के परफेक्ट कंटिन्यूस है, और यहाँ विल है, विल हैव है तो ये फ्यूचर है। द बेबी विल हैव बीन स्लीपिंग इन हिज क्रिब, आई विल हैव बीन लुकिंग इनटू द मैटर, एंड आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर अनिल। तो ये हमारे 12 टाइप्स हो गए। तो आपको जो है वर्ब का, वर्ब्स देख के हमें, पूरा वर्ब है, विल हैव बीन लुकिंग, सब वर्ब है, तो ये देख के हमें पता चल सकता है कि टेंस कौन सा है। यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स भी है, जैसे जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया, सब टाइप देखा उसका, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आई स्टडी इंग्लिश है, आई स्टडी इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, परफेक्ट ये देखो, है ना, और आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश। पास्ट में आई स्टडीड इंग्लिश, यस्टरडे लिखो या ना लिखो, से हम सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो हम अपना वर्ड नहीं डालेंगे, आई स्टडीड इंग्लिश, है ना, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, एम का वॉज हो जाता है, और हैव स्टडीड, हैड स्टडीड, है ना, और हैव बीन स्टडिंग, हैड बीन स्टडिंग, ठीक है। ये ऐसे भी हम देख सकते हैं, सबका सिंपल टेंस, आई स्टडीड इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, आई विल स्टडी इंग्लिश। कंटिन्यूस में आई वॉज स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग, आई एन जी मतलब कंटिन्यूस, है ना। और इसमें सब में परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वर्ब का पास्ट टेंस ही आएगा, स्टडीड का पास्ट टेंस ही आएगा। फिर ये जो है इसका हैज, हैव, हैड, विल हैव होगा, तो उसके हिसाब से पास्ट प्रेजेंट के फ्यूचर वो पता चलेगा। लेकिन ये जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म परफेक्ट टेंस होगा, तो वो पास्ट टेंस में ही दिखेगा, या आई डी, मतलब ई डी, आई डी, जो भी है, ऐसे फॉर्म में ही दिखेगा। फिर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन वर्ड आएगा और आई एन जी भी आएगा, been studying, I had been studying, have been studying, will have been studying. So I think now it should be clear all the 12 types of tenses. तो आप कोई भी sentence को आप convert कर सकते हैं, transformation of sentence easily हो सकता है. Wish you all the very best. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.